माय लव, तुम कहाँ हो? तुम्हारा पति यहाँ क्या कर रहा है? मैं जा रहा हूँ। वेट माय लव, काम डाउन। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि एक यूजलेस अंधा आदमी है जिससे कुछ नहीं दिखाई देगा? वैसे भी मैं उसे डिवोर्स देने वाली हूँ। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें मुझ पे यकीन है या नहीं? माय लव, तुम किसी के साथ हो? मुझे विस्परिंग सुनाई दी। माय लव, मैं यहाँ हूँ अकेली। माय लव, तुम्हें नहीं पता कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ा? मैं सोच रहा था कि तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आओगी। माय लव, ओ माय लव, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम आज आ रहे हो और मैंने सोचा कि तुम अपने असिस्टेंट्स के साथ आओगे। माय लव, मैंने सबसे फास्टेस्ट फ्लाइट पकड़ी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ आ सकूं। माय लव, ओ सो क्यूट। माय लव, तुम क्यों नहीं वहां जाके बैठते और मैं फिर आती हूं और जैसा तुम डिजर्व करते वैसी तुम्हारी केयर करती हूं। वेल, इट्स ओके माय लव, मैं तुम्हारा लिविंग रूम में इंतजार करूंगा। माय लव, तुम मुझसे झूठ बोलती हो। माय लव, कैसा झूठ? मैं तुमसे कह रही हूं ना, मैं उसे डिवोर्स देने वाली हूं। प्लस तुमने उसे देखा है, वो एक यूजलेस अंधा आदमी है जिससे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। तुम मुझे बताओ, तुम हमारे साथ रहने कब आ रहे हो? तुमने देखा है कि वो एक यूजलेस अंधा आदमी है, हमें उसके सारे फॉर्च्यून का फायदा उठाना चाहिए ताकि हमें काम ना करना पड़े आगे। हाँ, पर रुको। खैर, जब मैं ये सोचता हूँ तो तुम सही हो डियर। हेलो माय लव, माय लव, मैं तुम्हारा सूटकेस तुम्हारे रूम में लेके जाती हूँ। ओके, थैंक यू माय लव, तुम हमेशा बहुत अटेंटिव हो। माय लव, तुम बहुत केयरिंग हो। माय लव, तुम मेरे लिए सुपरमार्केट से कुछ ला सकती हो? माय लव प्लीज। ऑफ कोर्स माय लव, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। थैंक यू माय लव, लव यू। सो क्यूट माय लव, आई लव यू टू। वेल माय लव, ये तुम्हारा नया रूम होगा, तुम यहाँ रह सकते हो। डार्लिंग, सच कहूँ तो मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा यहाँ से जाना ठीक होगा। देखो माय लव, ये तुम्हारे लिए टॉवल है और यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए हैं तुम्हारे लिए, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर इससे तुम मुझे ये दिखाओगे कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी और तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे। तब तक मैं जाके अपने स्टूपिड हस्बैंड की मदद करके आती हूँ। तुम देखो, तुम्हें रहना है या जाना है? Don't worry,
डरे क्यों हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप अंधे नहीं हैं? तुम्हें क्या लगा है? कि मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम मेरी वाइफ के साथ सो रहे हो, वो भी मेरे घर में। देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि उसका पति भी है। हाँ, सच में उसने मुझे कभी नहीं बताया और मैं गलत था। हाँ, मैं वाकई गलत था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, आप जो कुछ भी चाहें, आपको जो भी चाहिए, मैं वो सब करूँगा। श्योर, हम कुछ करने जा रहे हैं। हम दोनों उस बेवफा को अच्छे से सबक सिखाएंगे। तुमने मुझे सुना? लेकिन बात करो। हाँ सर। ये सर, वेल, मुझे पसंद आया। डेफिनेटली तुम जो भी तुम्हें इन टैटूज के साथ देखेगा वो बड़ा आदमी मानेगा, लेकिन तुम तो एक चिकन से भी ज्यादा कावड़ हो। और डेफिनेटली वो लेडीज जो छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी बदल देती हैं, हाउ सैड, वेरी सैड। किसने सोचा होगा? ये आदमी बिल्कुल सही है, कोई भी बकवास के लिए। क्या, रुको, मैं बकवास हूँ? ना, मुझे देखो, मैं तो सबसे प्यारा हूँ, है ना? हाँ। So cute, my love. क्या तुम खुश हो? Of course, my love. तुम जो मुझे किस देते हो, मेरी केयर करते हो और जो कुछ भी मुझे देते हो, तुम ये कह सकते हो कि मैं दुनिया के सबसे हैप्पी वुमन हूँ। I love you, honey. मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। फार्म्स और कंपनी का काम अपने नाम पर लेने के लिए तुम क्या सोचती हो? और गैब्रियल के नाम पर? गैब्रियल है ना तुम्हारा नाम? हाँ जी सर, मेरा नाम गैब्रियल लोपेज है। क्रिस्टोबल, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? प्लीज, यह बेशर्म मत बनो। मुझे पहले से ही एहसास था कि तुम मेरे पैसे के लिए यहाँ हो। मैं अपने ट्रिप से वापस आया तुम्हें सरप्राइज करने के लिए। मेरी साइट के लिए मेरी सर्जरी हुई और फिर जो सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ वो मैं था, तुम्हें पूल में उसे किस करते हुए देखकर। तुम्हें पता है क्या, तुम एक धोखेबाज हो, बेवफा हो। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। वेल हाँ, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ,
मैं तुमसे थक चुकी हूँ। ओह माय लव, चलो चलें। अब हम अपने आप को वो लाइफ दे सकते हैं जो हम डिसर्व करते हैं, पूरी तरीके से खुश रह सकते हैं। नहीं नहीं। क्या तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा मजाक है। और क्या, हम और किस पे हंसेंगे? अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो फिर तुम पागल हो। अगर तुम अपने पति के साथ ऐसा कर सकती हो जो कि एक बहुत अच्छे और नेक इंसान है, तो मेरे साथ तो तुम, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे साथ क्या करोगी। पर बतौर इंसान तुम इसके लायक नहीं हो। और डॉन क्रिस्टोबल, मैं आपसे हजार बार माफी मांगता हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसका पति भी है। मैं ये आपको ये वापस देना चाहता हूँ, ये आपका है। और इससे बढ़कर मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर हम दोस्त बन सकेंगे। और हाँ, आपको आपके आंखों की रोशनी के लिए बधाई हो। थैंक यू गैब्रियल माय लव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओह जाओ कैटालिना, पागल मत बनो, चलता हूँ। क्रिस्टोबल माय लव, मुझे माफ कर दो। तुम वो आदमी हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। यू आर द लव ऑफ माय लाइफ, प्लीज समझो। मुझे पता है मैंने जो की वो एक गलती है। मुझे पता है उस आदमी के साथ जो हुआ वो बस एक फेज था माय लव, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ माय लव, प्लीज मुझे माफ कर दो। स्टॉप प्लीज कैटालिना, अब अपने आप को और हम्बल मत बनाओ, खड़े हो जाओ। तुम जैसी इंटरेस्टेड लेडीज तब तक किसी की कोई भलाई नहीं करती जब तक उन्हें वो नहीं मिल जाता जो वो चाहती हैं। तुम जानती हो तुम उस दिन भी नहीं बदलोगी जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें वाकई में इंपॉर्टेंस देगा, समझी? अब निकलो यहां से। या, अब जाओ यहां से। ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हारे लिए टावल या कुछ और लाऊंगा। यहां से उस व्यक्ति को महत्व देना सीखने में कभी देर नहीं होनी चाहिए जो आपको प्यार करता है और आपके लिए सब कुछ देता है, क्योंकि वो स्पेशल प्राणी जीवन में एक ही बार आता है।